नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ की अथरौड़िया से खबर है, जहां नगर के जमा मस्जिद समेत क्षेत्र के अन्य मस्जिदों में आज जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराई गई और प्रशासनिक देखरेख के समय सकुशल संपन्न हुई। जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार क्षेत्र में 3 दिनों से सशस्त्र सीमा बल तथा पुलिस के जवानों ने फूट पेट्रोलिंग कर लोगों को शांति व्यवस्था के प्रति आश्वस्त कराया। आज जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के में पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मस्जिदों के आसपास पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई थी तथा मस्जिदों में आने जाने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखी जा रही थी। वहीं उपद्रवियों पर भी पुलिस ने सख्त नज़र बनाए रखा। क्षेत्र में कहीं भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। तत्पश्चात जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान अशफाक हुसैन ने बताया कि यहाँ हमेशा नमाज शांतिपूर्वक संपन्न होती है, जैसे पहले होती थी वैसे ही आज भी हुई है और आगे भी ऐसी ही होती रहेगी। यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम में कभी कोई विवाद नहीं रहा और ना ही आगे रहेगा। यहाँ सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्वक जुमे की नमाज अदा की गई। सभी मस्जिदों के पास पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। इस दौरान लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। आइए सुनाते हैं कि अशफाक हुसैन ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम अशफाक हुसैन है, मैं अतरौलिया का रहने वाला हूँ। अतरौलिया में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न, उसके बारे में बताइए। नमाज हमेशा शांतिपूर्वक संपन्न होती है, आज भी जैसे पहले होती थी वैसे आज भी हुई है। हमारे अतरौलिया में हिंदू मुस्लिम में कभी कोई विवाद नहीं रहा, न कभी रहता है। हमारे यहाँ आपसी भाईचारगी हमेशा बनी रहती है। कुछ जगहों पे दो जुम्मे में लगातार से उपद्रव हो रहे थे। हाँ हाँ, ये जुम्मे में भी लग रहा था उपद्रव होगा, लेकिन अतरौलिया में नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई र्यूमर नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, न किसी अफवाह का यहाँ असर होता है। हमेशा अमन चैन शांति यहाँ बनी रहती है। इसी तरह नमाज अदा भविष्य में भी ऐसे ही होगी। यहाँ पे मुस्लिम तहजीब बहुत ही है, काफ़ी हम लोगों में आपसी भाईचारगी हमेशा रही है और हिंदू मुस्लिम हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसे ही धार्मिक कार्यों में भी एक दूसरे का करते हैं।